कौन सवाए सवारी माए कौन सवाए बाय बाय। यहाँ पे शॉप्स हुआ करते, स्टैचू यहाँ पे हर जगह है, टूरिस्ट आपको नजर आ रहे होंगे। देसी रेस्टोरेंट या टिक्स का ये पास करने और इवनिंग को एंजॉय करने आता है। दूर से तो आपको नजर आ रही है शायद, आंखों से ओझल हो गया। लिविंग म्यूजियम एंड आर्ट फेस्टिवल, ये क्लॉक टावर है, पर क्लॉक मैंने आपको दिखा दी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका पुराना नाम है स्वानलुम नाइट बाजार, जो कि 2012 में चेंज हुआ और ऑनवर्ड अभी तक इसको एशियाटिक द रिवर फ्रंट कहते हैं। सनसेट होने के बाद ज़्यादा मज़ा है, लेकिन अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 से 2 बजे तक का टाइम होता है, आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ नाइट टाइम में इवनिंग के बाद आने का ज़्यादा मज़ा है, लेकिन एंट्री इसकी फ्री है। आगे फेरी है, फेरी में आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा सकते हैं दरिया में, तो वो आपके लिए फ्री है। और ये इनकी चीज़ें हैं, लेकिन है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन। चलें फिर आए, चलें हमारे साथ। आजकल इस साइड में बहुत ही कम शॉप्स ओपन है, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन का मसला हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक शॉप से इतना खुली नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना मज़ा आता था पहले, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अभी शॉप्स को खुलते खुलते बहुत टाइम लगना है। ये कुछ शॉप्स हैं तो सही यहाँ पे, और बाकी दूसरी साइड में भी इंशाल्लाह हम चलेंगे। ये देखें, इस साइड में कोई भी नहीं है, टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं, यहाँ थाई लोग ही ज़्यादातर आते हैं। यहाँ की ज्वेलरी, बैग्स और ये सारा कुछ थाईलैंड का मेड है, ये बहुत फेमस है। यहाँ की शर्ट्स सारी फाउंटेन की बैक साइड में, मैं आपको एक मिनट लेके जाता हूँ बैक साइड में, तो बाद में चलते हैं। पहले ये देखें, बड़ा अच्छा स्टैचू बनाया हुआ है, चाइनीज़ या थाई, इस साइड में आर्मी और ये चेस। ये सारा रेस्टोरेंट एरिया था, अभी भी रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन बहुत कम है। ये देखें कितनी जगह खाली है, यहाँ पे कभी इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी भी दोबारा आ जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। वो पीछे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ के थाई लोग हैं या कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, वो बहरहाल अभी तक ओपन है, दूसरे काफ़ी सारे बंद हो गए हैं। यहाँ पर शॉप्स हुआ करती थी और वो भी बंद हो गई हैं। अच्छा, स्टैचू यहाँ पर हर जगह है, ये देखें, नाइस। ये रेस्टोरेंट्स कुछ खुले हैं, ये सी फूड के हैं ऑलमोस्ट, दूसरे भी मीट्स हैं लेकिन सी फूड के ज़्यादा इन्होंने रखे हुए हैं। और ये देखें, एक और स्टैचू है, कोई सेलर है उसका, टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, फॉरेनर्स कोई कोई अंदर है। एशिया टिक आएँ तो ये देसी रेस्टोरेंट है, और ये कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल जो एशिया टिक स्काई है उसके सामने से अंदर की तरफ एक स्ट्रीट आ रही है, मैं अभी इसको क्लियर कर दूँ। हाँ जी, अब हो गया क्लियर। ये एशिया टिक स्काई है, यहाँ अडल्ट के लिए टिकट 250 है, चिल्ड्रन के लिए 150, और अगर आपने VIP लाउंज लेना है तो उसके लिए आपको 2000 पे करना पड़ेगा। ये है मिस्ट्री मेंशन, तो आम जबान में इसे कह सकते हैं भूत बंगला। अच्छा, खौफनाक है काम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। यहाँ कभी बहुत सारी शॉप्स हुआ करती थी, इवन के शॉप्स के बाहर भी जो काउंटर्स लगे होते हैं वो भी हुआ करते थे। ऐसे अंदर जाएं तो अजीब सा होता है, हालांकि यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती थी, इतना रश हुआ करता था। और अब ये शॉप्स बंद है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। आप इसको मेन एंट्रेंस ही समझ लें, क्योंकि ये स्ट्रीट नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है और सीधी शिप पे जाके एंड होती है। यहाँ इस तरह की बहुत चीज़ें मिलेंगी। यहाँ बता रहे थे कि फ़ैन के एक साइड का पार 3 फीट का है। लोग यहाँ रिलैक्स हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, और कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये बहुत बेस्ट टाइम है फोटोग्राफी का। इवनिंग होने वाली है और यहाँ कुछ लोग हैं, टूरिस्ट भी हैं, रश तकरीबन ठीक है। और ये वो शिप है, इसके अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट रखा है और यहीं पे ये खड़ा रहता है। ये रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ इंग्लिश रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ थाईज हैं, और ये ओपन है, ये अभी आके ओपन हुए हैं। पहले तो जाहिर है जब पूरा बंद था सारा कुछ, तो सब कुछ बंद था। और अब इस साइड में देखें, बहुत अच्छी जगह है, पता नहीं क्या ये सेल कर रहा है, ये तो नहीं मुझे पता। और ये वाले स्टैचू तो आपने कई वीडियोस में देखे होंगे, मैं भी जब भी यहाँ आता हूँ तो इनके साथ ये तस्वीरें खिंचवाती हैं लोग, और इनकी बोरियाँ उठाते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखें, और उसके साथ शरारतें भी हो रही हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके बहुत सारे लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, क्योंकि यहाँ एशियाटिक द रिवर फ्रंट लिखा हुआ है। और ये सारी जगह बंद क्यों हो गई आज, पर ये पहले जगह खुली होती थी और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते थे थ्रू आउट।
वो पीछे तक, लेकिन अब बंद है। और ये बच्चों के लिए छोटी सी प्ले लैंड है, और फिर हम लोग दोबारा आ गए हैं एशियाटिक स्काई वाली साइड में। ये एक चेक पोस्ट हुआ करती थी जो दरिया के किनारे, तो इसको इन्होंने रेनोवेट नहीं किया, अभी तक ये वैसी की वैसी है। अगर आप इसको नज़दीक से देखेंगे तो काफ़ी खस्ता हालत हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिस वजह से ये इसको चेंज नहीं करते, और अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत लुक देती है पुराने वक्तों का, ये सारा जो टाइम है वो याद करवाती है। यहाँ मोस्टली लोग टाइम पास करने और इवनिंग को एंजॉय करने आते हैं, पिक्स ले रहे हैं और वीडियोज़ बना रहे हैं। हम जाएंगे फेरी पे, जिसका यहाँ से टक्सिन साथोन ब्रिज तक जाना और वापस आना फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। इस पे बैठ के हम जाएंगे फ्री फ्री फ्री। यहाँ स्टैचूज हर जगह हैं, बट ये सोच क्या रहे हैं, ज़रा इनसे पूछ ही लें आप। पहले वो लोग जो यहाँ आ रहे हैं ये वो हैं, बोट को मुकम्मल तौर पे खाली करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। कपन खाप, ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, अंदर LED भी लगी हुई है, सुपर भाई। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे इन्होंने सेफ्टी भी रखी हुई है चेयर्स के नीचे, अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है तो उसके लिए ये बिल्कुल रेडी है। और ये पायलट का है, इससे आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन हाथ तो जा सकता है ना, मैं नहीं जा सकता। तो ये अब हम एशियाटिक को करेंगे गुड बाय। ये पायलट साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे और वो बोट चला रहे हैं, देखते देखते आंखों से ओझल हो गया एशियाटिक। यहाँ रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर तक। मैंने आपको जब बताया मैं सिर्फ वीडियो ही बना रहा था, और उसके अंदर अंदर ही इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। और ये देखें पीछे सिर्फ लोग कुछ बैठे हुए हैं और मैं हूँ बस, और कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं है, और फिर भी इन्होंने रोकी नहीं, चला दी बस। हमारे साथ साथ ये बोट जा रही है, लेकिन ये बोट फेरी नहीं है, फेरी टाइप ही है, लेकिन फिर भी ये वो यहाँ से टिकट दे के या बुक करवा के इस बोट पर बैठना पड़ता है। तो ये तो इसकी सही से मैंने आपको वीडियो नहीं दिखा सका। खैर किसी दिन इस टेंपल के अंदर जाएंगे, वहाँ से मैं आपको शो करवाऊँगा। तो ये टेंपल रास्ते में आता है जहाँ पर हम एशियाटिक से ले कर साथोन तक जाते हैं। क्या बात है यार, मज़ा आता। आज से 3 से 4 साल पहले आया करते तो यहाँ पे इधर हम खड़े होकर जाते थे, लेडीज़ और बुज़ुर्ग यहाँ नीचे बैठते थे। दूर से आपको नज़र आ रहा होगा एशियाटिक, ये जा रही है माइन स्मार्ट फेरी। पहले वो जो फ्री फेरी उस साइड से आ रही है वो पहले गई है, फिर ये एक प्राइवेट वहाँ पे रुकेगी और फिर हमारी बारी आएगी। चलते हैं फिर ये वाली बोट में। वाली बोट बहुत साउंड करती है और मैं बिल्कुल इंजन के पास हूँ। यहाँ सीट्स काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं और कैमराज भी हैं, LEDs भी हैं, सब कुछ है। ये वाली जो फेरी है ये हमें बिल्कुल आइकन से आम में ले जाएगी, और यार वहाँ से फिर वापस आना पड़ेगा, फिर ये वाले टक्सिन ब्रिज पर रुकना पड़ेगा, फिर उधर से जाना होगा मुझे। लेकिन मैं बाइक ज़रा दूरी खड़ी कर आया हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ से बस लेके भी जा सकता हूँ या टैक्सी लेके भी जा सकता हूँ। जब हम पानी में होते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे गिम्बल हाथ में पकड़ी हुई है, कोई झटके नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े आराम से वीडियो बनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है वीडियोग्राफी का। अगर वो फाउंटेन्स हमारे कैमरे में आ गई तो मैं आपको दिखाऊँगा, दूर से तो आपको नज़र आ रही है शायद। ये देखें, ये है, ये जा रही है दूसरी बोट जो कि वो होती है प्राइवेट या यहाँ पे जो भी, अगर ये ज़्यादातर प्राइवेट ही होती हैं। फाउंटेन शो ख़त्म होने ही वाला है, कोशिश तो है हम पहले पहुँच जाएं, लेकिन अगर बाद में पहुँच गए तो क्या हो सकता है, अब ये तो बोट पे डिपेंडेड है। वो वाली जो बोट है चली गई है यहाँ से, और अब ये हमारी फ्री वाली बोट जो है वो यहाँ पर पार्क होगी और हम जाएंगे फाउंटेन शो देखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद यहीं पे हम इस व्लॉग को रैप अप करेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।
ओके खुनसवाए सवारी माए खुनसवाए बाय 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 सी यू थैंक यू। चलें फिर मैं थोड़ी सी सैर करके आ रहा हूँ, आप लोग इधर ही रहना, मैं वापस आता हूँ। यार बहुत ही मज़े की जगह है, और इस साइड में जो ये नज़ारा दे रही है ना, जो हम सिटी को देख सकते हैं, वो बहुत ही मज़ा आता है। जबकि सामने आपको तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आई थिंक घूम गया होगा यहाँ से, और अब मैं आ रहा हूँ वापस। ज़्यादा देर हमें दूर नहीं रहना, क्योंकि मैंने वो गजट्स लगाए हुए हैं उस साइड में, तो अब मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये वाली सारी जगह हैं, और बहुत मज़े की, हर चीज़ बड़ी अच्छी है, और मज़े की बात है कि फ्री है सब कुछ, और यहाँ आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ आएँ, बहुत मज़ा आएगा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको कितना पसंद आया हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, कौन कौन यहाँ पे आया है और किस किस का इरादा बन रहा है ये व्लॉग देखने के बाद यहाँ पे विज़िट करने का, हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें और हमारे चैनल को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।